Hello student, today we see the topic that is horn antenna. Okay, so see, this is the horn antennas. There are three types in horn antennas, that is the sectoral, pyramidal and circular horn antenna. Okay, so this is the diagram for sectoral, then pyramid and circular. Okay, after that we see in detail explanation point wise. The first, it is waveguide can radiated from one end and other end is open. Okay, जो भी one एक end दो end है ना, अपने वेवगाइड जो हॉर्न एंटीना है उसको कैसे है, दो एंड से सबको इसमें सबके इसमें क्या है, दो एंड से. तो जो एक एंड है उसमें से क्या होगा, वेवगाइड का रेडिएशन होगा और जो सेकेंड है अदर एंड है वो ओपन रहेगा. ओके, देन सी वेवगाइड रेडिएट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द ट्रांसमिशन लाइन. मीन्स जितने हम लोग ट्रांसमिशन लाइन क्या करते हैं, ट्रांसमिट करेंगे, उसकी ज़्यादा एनर्जी जो है वेवगाइड क्या करेगा, रेडिएट करेगा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द ट्रांसमिशन लाइन. ओके, आफ्टर दैट द वेवगाइड इज प्रोड्यूस्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रेडिएट एंड प्रोड्यूस एनर्जी विथ रिफ्लेक्ट बैक. अगेन वेवगाइड क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है जो कि क्या होगी, रेडिएट होगी और प्रोड्यूस करके वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगी. ओके, जो वेवगाइड है दो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, एक है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसमिशन लाइन से ज़्यादा होगी और वो रेडिएट हो जाएगी, और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होगी, प्रोड्यूस होके रेडिएट होके वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक आएगी. ओके, देन सी अ पुअर एंड नॉन डायरेक्शनल पैटर्न इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रेडिएशन द माउथ ऑफ वेवगाइड केप्ट ओपन. अभी क्या होगा, अगर पुअर या फिर नॉन डायरेक्शनल पैटर्न रहेगा रेडिएशन का तो क्या होगा, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रेडिएशन मीन्स अगर आपको रेडिएशन इम्प्रूव करना होगा जो कि क्या करेंगे फिर हम लोग, जो कि माउथ है अपने किसका एंटीना का, वो क्या करेगा, वेवगाइड को ओपन रखेगा एंटर करने के लिए. ठीक है, द माउथ ऑफ वेवगाइड इज केप्ट ओपन. ओके, जो भी वेवगाइड का माउथ है वो हम लोग ओपन रखेंगे तभी जो है रेडिएशन पैटर्न क्या होगा, इम्प्रूव होगा. ओके, सो सी नेक्स्ट, व्हेन द ट्रांसमिशन लाइन इज ओपन इट रिजल्ट इन टू डायपोल एंटीना. मीन्स ट्रांसमिशन लाइन जब ओपन रहेगी तब वो एंटीना कैसे रहेगा, इट इज़ अ डायपोल एंटीना. बट व्हेन वेवगाइड इज ओपन, जब वेवगाइड ओपन रहेगा तब क्या होगा, ईएम मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हॉर्न मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी वहाँ पे रहेगी. कब, जब वेवगाइड इट इज़ ओपन. ओके, सो सी नेक्स्ट, वेवगाइड इज ट्रांसमिटेड इनटू द हॉर्न्स. तो क्या होगा, जो भी वेवगाइड वो प्रोड्यूस रहेगा वहाँ पे वो क्या होगा, टर्मिनेटेड इनटू हॉर्न मीन्स वहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाएगा हॉर्न में जो कि हमारे हॉर्न एंटीनाज है. Then if the input and output impedance matching is ensured, means impedance जो है अपना input और output का जो impedance है, input और output का जो भी impedance है अगर वो match हो गया, उसका ensured हो गया मीन्स गारंटेड होगा मैचिंग, तो क्या होगा, देन ऑल एनर्जी ट्रैवलिंग इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी रेडिएटेड इनटू ओपन स्पेस. ओके, तभी क्या होगा, जो भी एनर्जी रहेगी अपनी ऑल एनर्जी रहेगी वो ट्रैवल होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेडिएट होगी इन ओपन स्पेस. कब, जब भी इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, मैच होगा, तभी जो अपनी ऑल एनर्जी है वो ट्रैवल होगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेडिएट होगी ओपन स्पेस में. ओके, बिकॉज एट दिस डायरेक्टिविटी इज इम्प्रूव्ड. इसके वजह से क्या होगा, ये पॉइंट की वजह से जो भी डायरेक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी. देन सी द नेक्स्ट. देयर आर थ्री मोस्ट कॉमनली यूज हॉर्न कॉन्फिगरेशन, सेक्टरल, पिरामिड एंड सर्क्युलर. Okay, then see the directional pattern, that is the radiation pattern. The horn antenna is highly directional antennas. Their radiation pattern is shown. This is the radiation pattern of horn antenna. This is the desired direction. Okay, so this is the radiation pattern of the horn antenna. After that we see the application, advantage and application. Those first advantage is improve in directivity. Second, it is a better matching with the open space. Directivity increase होगी. Okay, और ये क्या होगा, open space में ये match हो जाएगा. और reduce diffraction, diffraction इसका reduce होगा. Diffraction हम लोगों ने first year में भी सीखा है. Okay, then फर्स्ट ईयर में या फिर ट्वेल्थ वालों ने 11th 12th में सीखा है फिजिक्स में डिफ्रैक्शन. ओके, आफ्टर दैट वी सी द एप्लीकेशन. फर्स्ट इज एज अ फीड एंटीनाज. सेकेंड, ऑल हाईली डायरेक्शनल माइक्रोवेव एंटीनाज, सैटेलाइट एंटीनाज, एंटीना ऑन द स्पेसक्राफ्ट. तो यहाँ पे हम लोग ये हॉर्न एंटीना यूज़ कर सकते हैं. सैटेलाइट एंटीना सैटेलाइट में यूज़ करते हैं, स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में जो एंटीना यूज़ होते हैं वो हॉर्न एंटीना हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हॉर्न एंटीना. सो दिस इज़ द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द हॉर्न एंटीना. सो थैंक यू.